अपने को पहचानो। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो संसार के सब प्राणियों का जन्मदाता और पालन करता है। आप परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य विधान से जन्मे हैं। आपके विचार, आपकी वाणी, आपके व्यवहार में परमात्मा के दिव्य तत्व ओतप्रोत हैं। आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब परमात्मा का ही है। आपका शरीर, इसकी विभिन्न क्रियाएं भी ईश्वर के ही अधीन हैं। जिस परमात्मा के विधान से अनंत ब्रह्मांड लोक संचालित होते हैं, उसी से आपका जीवन और क्रियाएं भी संचालित होती हैं। साधारण अमीर का पुत्र ही अपने को धन्य मानता है और अकड़कर चलता है, पर आप तो कुबेर लक्ष्मीपति के भाग्यशाली पुत्र हैं। आपका शरीर पवित्र मंदिर है, आपका मन परमात्मा का गृह है। आपकी संपदा का कोई पार नहीं, कोई मर्यादा नहीं। आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्यंभावी हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और दैवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे, ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। आप जंतु विज्ञान विशारदों से बातचीत कीजिए, वे आपको बतलाएंगे कि जो गुण किसी भी जीव के पिता में होते हैं, वही उसकी संतान में पनपते और फलित होते हैं। यदि आप अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं, तो एक ऐसे शक्ति स्रोत से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं जो अटूट है, संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। ईश्वर हमको पिता होने के कारण कभी नहीं भूलता, हम ही मूढ़तावश भूल बैठते हैं, यही दुख का कारण है। गीता के शब्दों में जो मुझे यानी ईश्वर को सब जगह और सब चीजों को मेरे अंदर देखता है, वो न कभी मुझसे पृथक होता है और न मैं उससे पृथक होता हूं। जो मनुष्य एक मन से एकाग्र होकर सब जानवरों के अंदर सब घरों में रहने वाले ईश्वर की पूजा करता है, वो योगी चाहे कहीं भी हो ईश्वर के अंदर है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है, नीति और सदाचार ईश्वर है, आनंद ईश्वर है, मानवीय सद्गुणों का सर्वोत्कृष्ट रूप है। मानवता की सेवा द्वारा ही ईश्वरता के साक्षात्कार का प्रयत्न मैं कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर न तो स्वर्ग में है और न पाताल में, बल्कि हरेक के हृदय में है। क्या आप अपने को ईश्वर का पुत्र मानते हैं? यदि हां, तो उन्हीं गुणों को अपने चरित्र में विकसित होने दीजिए। ईश्वर के पुत्र होकर आप बैर, क्रोध, प्रतिशोध या शत्रुता के भाव मन में नहीं रख सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है। आप अपने को क्षुद्र हार्ड मांस चर्म रुधिर से बना हुआ पुतला समझना छोड़ दीजिए। मत मानिए कि आपका यह शरीर घृणित मलमूत्र मांस रक्त मवाद का पिंड है, पाप से उत्पन्न पाप करने वाला पापी है, नाशवान कुमारगी वासनामय है। अपने विषय में आज तक बनी सब थोथी धारणाओं को तिलांजलि दे दीजिए। आपको अपनी ईश्वरीय वंश परंपरा का ज्ञान हो जाएगा, तब आपका जीवन, व्यवहार, चरित्र, बातचीत, रहन सहन और स्वभाव भी एक उच्च उद्देश्य से परिचालित होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके संपर्क में आने वाले सभी आपके तेजो मंडल से प्रभावित हो जाएंगे। समान परिस्थितियों में रहने वाले कुछ व्यक्ति दुखी हैं, कुछ सुखी हैं। अतृप्त और दुखी व्यक्तियों की धारणा है कि ईश्वर की इच्छानुसार ही लोग सुखी और दुखी होते हैं। ईश्वर ही विपत्तियां देते हैं
हमें सजाएं देते हैं जो हमारे जन्म के पापों का दुष्परिणाम है, किंतु ये तर्क थोथा और सारहीन है। सोच कर देखिए, क्या कोई ऐसा पिता हो सकता है जो अपने सब पुत्रों से बराबर प्रेम न करता हो? पिता तो सदैव ही स्नेह की वर्षा करता है, उसकी डांट फटकार में भी स्नेह स्निग्धता छिपी रहती है। संसार में असंख्य स्त्री पुरुषों ने ईश्वर के प्रेम, स्नेह, सहायता, दिशा संकेत को समझा है, अनुभव किया है। फिर यदि आप ही उसे अनुभव नहीं करते तो ये आपका दोष है। सूर्य तो चमक रहा है, उसकी रश्मियों को अनुभव न करना आपकी गलती मानी जाएगी। मनुष्य सृष्टि का सबसे समुन्नत ईश्वरीय शक्तियों, असीम सिद्धियों को धारण किए हुए सबसे शक्तिशाली प्राणी है। बुद्धि और ज्ञान इसके मुख्य गुण हैं, जिनके बल पर यह संसार के सब प्राणियों का सम्राट है। मनुष्य सर्व शक्तियों का समूह है। भगवान ने अपने रूप में मनुष्य की सृष्टि की है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसके मन, शरीर और आत्मा में भर दिया है। मनुष्य का निर्माण ईश्वरीय नियम, संदेश, सद्भावनाओं और विवेक आदि के व्यापक प्रसार तथा सृष्टि में सत्य, न्याय और प्रेम के स्थापन के लिए किया गया है। उसने मनुष्य को ऐसी दिव्य शक्तियां दीं जिनके द्वारा सात्विक वृत्तियों की प्रतिष्ठापना हुई। सत्य, समानता और सदाचार का व्यापक प्रसार कर मनुष्य ने सृष्टि को रहने योग्य बनाया है। मानवीय अंतरात्मा की सात्विक वृत्तियों के प्रयोग से ही यह संसार रहने योग्य बना हुआ है। मनुष्य के अंदर ईश्वर का जो केंद्र है उसे हम आत्मा कहते हैं। ये मनुष्य का शक्ति केंद्र है जिसके द्वारा हमें ईश्वर के गुप्त संदेश निरंतर मिला करते हैं। आत्मा के आदेश से मनुष्य श्रेष्ठतम कर्तव्य की ओर चलता है, पुण्य संचय करता है, अन्य प्राणियों से उच्च स्तर पर चढ़ता है, सद्गुणों को बढ़ाता है, आत्मबल को विकसित करता है, बुद्धि को तीव्र करता है तथा विवेक को जागृत करता है। वास्तव में मनुष्य में अन्य जीवों से अधिक विकसित होने की जो क्रिया चल रही है उसका प्रधान कारण आत्मा के गुप्त दैवी आदेश ही है। हमारा वो शक्तिशाली पिता हमारे पीछे है, तब हम भला कैसे अशक्त, असहाय और अयोग्य बने रह सकते हैं? हम सृष्टा हैं, शुचि हैं, हम निर्विकार हैं। हमारे कण कण में ईश्वरीय शक्ति का निवास है। हमें इस आत्मशक्ति से सर्वत्र राज्य करना है। तुम परमात्मा के पुत्र हो, सम्राटों के सम्राट परमात्मा के युवराज हो। तुम्हें ऐसे दिव्य गुणों से विभूषित किया गया है कि दूसरा कोई जीव तुम्हारे मुकाबले में ना आ सके। तुम्हें अपनी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाओं से युक्त होना चाहिए, अनंत अखंड सुख शांति का भागी बनना चाहिए। याद रखो, जो जाग कर मनुष्योचित शुभ कर्म करता है देवता उसी को चाहते हैं, अर्थात उसी के भीतर देव शक्तियां जागृत होती हैं। जो सोए पड़े रहते हैं देव शक्तियां उनमें नहीं जागती या उनसे प्रेम नहीं करती। मनुष्यों, अपनी मानवता प्राप्त करो, मोह और आलस्य निद्रा से जागो। आपको जागृति से मैत्री करनी चाहिए। आपको मानव जीवन व्यर्थ के कामों में बिताने के लिए नहीं दिया गया है, वो तो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान बनने के लिए ही दिया गया है। किसी व्यक्ति में हम उत्तम गुण, उच्च चरित्र, स्वास्थ्य, सौंदर्य या कोई प्रशस्त कला देखते हैं तो हमारे अंदर कहीं से चुपचाप एक उच्च भाव पैदा होता है कि काश हम भी यही उच्च दैवी भाव या शक्तियां प्रकट कर पाते।
इस विश्व में व्याप्त प्रत्येक अच्छाई हमें जागृति पैदा करती है, हमारी सोई हुई आत्मशक्ति को जगाती है। वो हमें श्रेष्ठता और देवत्व की ओर बढ़ने का गुप्त संकेत देती है। हम दुष्टों, दुष्चरित्रों, प्रजापीड़कों, अत्याचारियों, नरसंहारकों, शोषकों, शराबियों, जुआड़ियों या व्यभिचारियों से घृणा करते हैं। हम इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहते। अनीति, अत्याचार, अपराध, अन्याय, दोष, त्रुटि, हानि, दरिद्रता, चोरी, डकैती, ठगी इत्यादि की ओर हमारी रुचि नहीं होती। हम पवित्रता की ओर जाना चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। आप एकांत में अपना क्या, किस रूप में, देवता या राक्षस मूल्यांकन करते हैं? अपने को क्षुद्र मानते हैं या महान? जैसा आप अपने को मान बैठे हैं, वस्तुतः वैसे ही आप हैं, और दुनिया भी आपको वैसा ही मानेगी। उसी कसौटी पर सदा आपको कसती रहेगी। बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय यह है कि हम एकांत में अपने चरित्र, स्वभाव और शरीर की अच्छाइयों और श्रेष्ठ गुणों का ही चिंतन करें और दिव्यताओं की अभिवृद्धि करते रहें। अपने लिए हमें वही मूल्य संसार और समाज से प्राप्त होता है जिसका हम दृढ़ इच्छा शक्ति से दावा करते हैं। जो मूल्य निर्धारित करें, वैसी ही दिव्यताएं और शक्तियां प्राप्त करने का प्रयत्न भी करें। मनुष्य अपने मन में स्वयं को जैसा मान बैठा है, वस्तुतः वो वैसा ही है। आप कभी कभी अपने गुणों, अपनी विलक्षण प्रतिभा, अपनी विशेष ईश्वरीय देन के बारे में खूब सोचा कीजिए। त्रुटियों की उपेक्षा कर श्रेष्ठताओं की सूची बनाइए, उन्हीं पर विचार और क्रियाएं एकाग्र कीजिए। ये अपनी श्रेष्ठताएं विकसित करने का मनोवैज्ञानिक मार्ग है। आपको अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा अनेक शक्तियों का ज्ञान नहीं है। आप नेत्रों पर पट्टी बांधे अंधाधुंध आगे मार्ग टटोल रहे हैं। अपनी शक्तियों के प्रति अज्ञानता में आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो गया है। यदि आप अपनी गुप्त शक्तियों के अनुसार आगे बढ़ने लगे, मन को सृजनात्मक रूप में शिक्षित कर लें, तो जीवन फूलों की सेज प्रतीत होगा और अनेक कार्य आप पूर्ण करने लगेंगे। मैं कर सकता हूं, ये दृढ़ निश्चयात्मक भाव मनुष्य के आत्मविश्वास को पुष्ट करता है, शक्तियों को जगाता है, उसे अपनी सिद्धि और सफलता पर विश्वास हो जाता है। इस सृजनात्मक विचार का शक्तिवर्धक प्रभाव हमारे शरीर के संगठन पर पड़ता है। इन निश्चित, दृढ़ और आशा भरे विचारों से हमारा मुखमंडल दमकता हुआ मालूम पड़ता है और हमारे संपूर्ण कार्य सजीव मालूम पड़ते हैं। मन में आशा और विश्वास, शक्ति और साहस पैदा होते हैं। मन में गुप्त ताकत आती है। रुधिर प्रवाह भी ठीक होकर समस्त शरीर को पुष्ट करता है, जिससे मन प्रसन्न तथा शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। अड़चने और विरोध स्वतः दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी निरुत्साहित नहीं होते। भय आदि दूषित विकारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इस गलत संकेत के कारण आप अंदर ही अंदर एक प्रकार की कमजोरी का अनुभव करेंगे। शरीर पीला पड़ जाएगा, इंद्रियां जवाब देने लगेंगी, कंधे झुक जाएंगे, कमर में दर्द मालूम होगा, सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि न जाने क्यों शरीर और मन गिरा गिरा सा लग रहा है, काम में तबीयत नहीं है। निराशा, अविश्वास, चिंता और शोक इत्यादि हमारी अवांछनीय और दुर्बलता पैदा करने वाली मनःस्थितियां हैं। अपने प्रति अविश्वास का एक विषैला शब्द या वाक्य मानसिक संस्थान में ही गड़बड़ी नहीं मचाता, बल्कि पूरे शरीर पर और विशेषतः हमारे हृदय पर दूषित प्रभाव डालकर उसे कमजोर बना देता है। इससे शरीर के सभी कार्यों में आंशिक शिथिलता आ जाती है। दो संकेतों को ध्यान में रखकर हम समग्र मनुष्य जाति को
दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, वे जो कार्य को कर सकने में आत्मविश्वास रखते हैं, इन्हें हम मिस्टर कैन अर्थात कर सकने वाला, तथा दो, वे व्यक्ति जो सदा अपनी कमजोरी और असफलता के विचारों में डूबे रहते हैं, इन्हें हम मिस्टर कांट न कर सकने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। मिस्टर कैन उद्देश्य पूर्ति में असंख्य विघ्न बाधाओं के बावजूद अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और अंततः कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके विपरीत मिस्टर कांट प्रत्येक निश्चय में ढीले ढाले आधे मन से कार्यों में हाथ डालने वाले शक्की मिजाज के होते हैं, भाग्य को दोष देते रहते हैं, ज्योतिषियों से भाग्य पलटने की तिथियां और उपाय पूछते रहते हैं, अवसर की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए रहते हैं। आपकी अश्रद्धा और अपनी शक्तियों के प्रति अविश्वास ही आपके दुर्भाग्य की जननी है। अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास कीजिए। अपनी श्रेष्ठता, अच्छाई, ताकत की बात अपने अंतःकरण में जमा लीजिए। दृढ़ निश्चय, तीव्र इच्छा और प्रबल प्रयत्न के द्वारा अपनी गुप्त सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। फिर देखिए आपका कैसा भाग्योदय होता है। आप में अपना ईश्वर तत्व प्रकट करने की पूरी सामर्थ्य है। फिर क्यों दुख, असफलता और चिंता में जीवन नष्ट कर रहे हैं? आप अपने आंतरिक आत्मबल पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। प्रत्येक कार्य आपकी इच्छा के अनुसार ही होता है। आत्मबल के अनंत भंडार से आप सब अभिलाषित कार्यों में सिद्धि पाते हैं। आप प्रबल इच्छा शक्ति से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं जिस पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार न हो। तुम अपनी संकल्प की शक्तियों को आदेश दो कि मैं एक ईश्वरी तत्व से जिसका संबंध मन से है तादात्म्य रखता हूं, अतएव उससे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक उत्तम वस्तु का मैं पूरा पूरा हकदार हूं, वारिस हूं। इच्छा शक्ति के लंबे चौड़े हाथों से मैं उसे अवश्य प्राप्त कर सकता हूं। जीवन के प्रधान व्यक्तियों में कदाचित प्रमुख नियम यही है कि मनुष्य मन, विचार, आकांक्षा का सदुपयोग सीखे, यह अनुभव करे कि वो परम शक्ति संपन्न एक सुदृढ़ चैतन्य आत्मा का पिंड है। संसार की समस्त उत्कृष्टतम वस्तुओं पर उसका पूर्ण अधिकार है। धन संपत्ति, मान सम्मान, पदाधिकार, धर्म, मोक्ष इत्यादि कुछ भी क्यों न हो, उससे विमुख नहीं है। वे उसके लिए सृजित हैं, अतएव उसे एक दिन अवश्यमेव प्राप्त होंगे। जो अपनी बेकदरी करते हैं वे पापी हैं, क्योंकि वे परमेश्वर स्वरूप परमात्मा की निंदा करते हैं। कारण, मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, सीमा बंधन नहीं है, प्रत्युत समृद्धि की विपुल संपदा भरी पड़ी है। ईश्वर का आदेश है कि पूर्ण बनो जैसा कि मैं हूं। अतः कभी अपने आप को नीच, दीन, दुखी, दरिद्री, रोगग्रस्त आदि न समझो। प्रत्युत उत्साह पूर्वक कहो और गर्व से छाती फुलाकर कहो कि प्रत्येक उत्तम वस्तु पर मेरा अधिकार है, कोई मुझसे वो अधिकार हरण नहीं कर सकता। इस प्रकार मन को भद्दी वस्तुओं से हटाकर सुंदर और शिवत्व से परिपूर्ण सुमनोहर वस्तुओं पर केंद्रित करना, विरोध से हटाकर ऐक्य में संलग्न करना, मृत्यु के विचार को हटाकर दिव्य जीवन के रहस्य में केंद्रित करना एक बहुत उत्कृष्ट कला है।